नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की अभिनय से सजी फिल्म किस्मत वाला के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म किस्मत वाला एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 7 मार्च 1986 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता एसडी नारंग और बीडी नारंग तथा फिल्म को निर्देशित किया एसडी नारंग ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, सुजीत कुमार, प्रेमा नारायण, प्रीति सप्रू, भरत कपूर, पिंचू कपूर, नरेंद्र नाथ, मोहन चोटी और यूनुस परवेज ने। फिल्म के गीत लिखे हैं अनजान ने तथा संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 4 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है अमित कुमार, आशा भोसले, बप्पी लहरी, उषा मंगेशकर, अभिजीत भट्टाचार्य और शेरोन प्रभाकर ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है और 71% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1,30,00,000 रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1,10,00,000 का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1,50,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की शुरुआत 1980 में हुई थी लेकिन फिल्म को पूरा होने और रिलीज होने में करीब 6 साल की देर हुई। फैक्ट नंबर 2, 1980 में जब फिल्म को लॉन्च किया गया था तब इस फिल्म का नाम दिलरुबा दिलवाली रखा गया था जिसे बाद में बदलकर किस्मत वाला कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में बिंदिया गोस्वामी को भी साइन किया गया था लेकिन किसी कारणवश बिंदिया गोस्वामी ने यह फिल्म छोड़ दी, तब उनकी जगह प्रीति सप्रू को साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के रिलीज से 1 महीने पहले निर्माता निर्देशक एसडी नारंग की मृत्यु हो गई थी। एसडी नारंग ने दिल्ली का ठग, बॉम्बे का चोर, शहनाई, सगाई, बाबुल की गलियां, दो ठग और दो उस्ताद के अलावा और भी कई फिल्मों का निर्देशन किया था और फिल्म किस्मत वाला एसडी नारंग द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म है। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म को बनने में काफी देर हुई क्योंकि निर्माता निर्देशक एसडी नारंग ने इस फिल्म के रिलीज से पहले शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी के साथ निशानेबाज नामक एक फिल्म शुरू की थी लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही निर्माता निर्देशक एसडी नारंग का निधन हो गया और फिल्म निशानेबाज को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, बुगी बुगी गाने में विशेष उपस्थिति की भूमिका के लिए अभिनेत्री किम को साइन किया गया था। किम को बताया गया था कि यह एक महत्वपूर्ण गाना है और यह गाना फिल्म की कहानी को और आगे ले जाएगा। जब वह सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची तो देखा कि रंजीता भी इसी गाने पर डांस कर रही हैं, जिससे वह नाराज हो गई क्योंकि उनसे झूठ बोला गया था। निर्देशक एसडी नारंग ने उन्हें बताया था कि यह गाना उनकी और मिथुन की ऊपर फिल्माया जाएगा। तब किम ने शूटिंग करने से इनकार कर दिया। फिर आखिरकार मिथुन के समझाने पर किम शूटिंग के लिए तैयार हुई। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म के साथ।